हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, कौन से स्टूडेंट्स? बीए या एमए के स्टूडेंट्स जिनके पास में ह्यूमन राइट का विषय है, जिसे इन शॉर्ट में हम एचआर बोलते हैं, अगर उनके पास में ये विषय है तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। चाहे वो स्टूडेंट्स हमारे प्यारे प्रोग्राम कोर्स के हों या फिर वो प्यारे स्टूडेंट्स हमारे ऑनर्स कोर्स के हों, अगर उनके पास में ह्यूमन राइट का विषय है तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की ये वीडियो चाहे वो एसयूएल के स्टूडेंट्स देखें या फिर नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स देखें या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स देखें या इग्नू या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देखें, उन सभी जब स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे तो उन्हें डाउनलोड करने के बाद ये क्वेश्चन उन्हें बार बार रिपीटेड दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन सिंपल ही है। सिंपल रूप से इसका क्वेश्चन पूछता है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या है। क्वेश्चन सिंपली पूछेगा, इसे हिंदी में इस तरीके से पूछेगा और इंग्लिश में अगर इसको पूछना होगा, कई बार ये इंग्लिश में लिख के दे देता है तो आप इसको समझ जाएंगे। इस तरीके से इंग्लिश में भी लिखा होता है इसके अंदर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इतना क्वेश्चन है, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट में 10 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर चाहे वो गर्ल्स वीडियो देखे या फिर बॉयज़ वीडियो देखे, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की पूरी संभावना है। तो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ मैं कि ये मानवाधिकार आखिर होते क्या हैं, आखिर ये मानवाधिकार क्या होते हैं, इनके क्या अर्थ हैं, किस राइटर ने क्या परिभाषा दी है। मैंने आपको चार चार लेखकों को अनुसार इसको परिभाषित करके बताया है और आपको ये भी कहा है कि इनमें से कोई भी आप वो तीन याद कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का आपसे कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको पूरी वीडियो का नोट्स चाहिए या इससे पहले हमने आप लोगों के लिए कितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं उन सभी के आपको नोट्स चाहिए तो वो सभी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम स्टडी चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो लिंक, वो जो ग्रुप है, वो हमारा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपसे ज्वाइन होने के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे स्टडी चैनल में जुड़ सकते हैं जो आप लोगों की स्टडी के लिए बनाए गए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये नंबर आपके स्क्रीन पर विजुअल हुआ। अब हम अपनी स्टडी को क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर करना अच्छी बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी काफ़ी बोरिंग होगा। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से हमारे चैनल से आप लोगों को अपडेट मिले, नोट्स मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो आप अपने और भी मित्रों तक इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक है आप लोगों को मैंने बताया, टॉपिक सिंपल ही है कि मानव अधिकारों की घोषणा पत्र। ये मानव अधिकारों की घोषणा पत्र क्या भला है, इसे आप जब देखेंगे तो इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र हिंदी में ये है। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये यूएनओ के द्वारा जारी किया गया है। अब आप ये कहेंगे यूएनओ क्या है, यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सबसे बड़ी संस्था है जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की देशों को आपसी मेल मिलाव के लिए भूमिका निभाती है। इसका निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को किया गया और 30 अक्टूबर को भारत इसका मेंबर बना 1945 में ही। तो विश्व के आज देखोगे आप तमाम 193 इसमें कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, इसके अंदर शामिल हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा एक मंच है जहां पर देश अपनी बात करते हैं, बात रखते हैं, चाहे वो छोटे देश हों या फिर वो बड़े देशों। तो यूएनओ ने अपनी अपने नियमों को भी बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और नियमों को बना के रखने के लिए, उसे लागू करने के लिए एक किताब बना रखी है जो संविधान के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में
उसके अंदर भी भारत के संविधान की तरह अनुच्छेद है। आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश इसके अंदर शामिल हैं उन सब के ऊपर नियम बनाने के लिए, उन सबको एक कायदे कानून से रखने के लिए अपने लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। उस कानून के अंदर ही जब आप पढ़ते हो तो एक चार्टर अलग से आता है, जो चार्टर पूरा का पूरा सिर्फ किस लिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, और वो चार्टर ह्यूमन राइट्स की घोषणा की बात करता है। इस चार्टर के अंदर आपको मैं बता दूं टोटल 30 आर्टिकल हैं, 30 अनुच्छेद हैं, और ये 30 के 30 अनुच्छेद जो हैं ये मानव अधिकारों की सुरक्षा और मानव अधिकारों के बारे में ही बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 2 तक तो सिर्फ ये बात कही गई है कि सभी जो धर्म के लोग हैं या फिर किसी भी लिंग के लोग हैं या फिर किसी भाषा, धर्म, राजनीतिक या फिर कहीं निवास स्थान है उनका, तो भाई ये मानव अधिकार जो हैं ये उनको दिए जाएंगे, सिर्फ उनसे इस आधार पे उनसे ये अधिकार नहीं छीन लिए जाएंगे कि वो छोटी जाति का है, वह दूसरे धर्म का है, वो भाई लड़की है, वो लड़का है, वो इस भाषा को बोलता है, वो दूसरी भाषा को बोलता है, वो रंग से भेदभाव होगा उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मानव अधिकार एक वो अधिकार होंगे जो मनुष्य होने के नाते, जो मानव होने के नाते आपको दिए जाते हैं। ये मैंने आपको जब मानव अधिकार का अर्थ आपको पढ़ाया था ये मैंने आपको बताया, तो इस मानव अधिकारों को लागू करने के लिए एक घोषणा पत्र बना है, तो इस पूरे घोषणा पत्र को ही हम क्या बोलते हैं, मानव अधिकार का घोषणा पत्र। मानव अधिकार से जुड़ा हुआ सबसे पहली संधि कब हुई आपको ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये हुई थी 1648 में, कहाँ पर हुआ था, वेस्टफेलिया नामक स्थान पे ही हुआ था, इसीलिए इस संधि को क्या नाम दे दिया, वेस्टफेलिया संधि। इस संधि में ये बात कही गई थी कि जिन लोगों को धर्म के आधार पर गुलाम बनाया गया है या फिर उनके मानसिकता के आधार पर, उनकी कम जागरूकता के आधार पर अगर उन्हें गुलाम बनाया गया तो भाई उन्हें आज़ादी दिलवाई जाएगी, ये इस संधि में बात उठी थी। किस संधि में, जो कि 1648 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, वेस्टफेलिया नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इस संधि को वेस्टफेलिया नामक संधि भी कहते हैं। इसके बाद आगे चल के एक वियना कांग्रेस हुई, वियना कांग्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऊपर वाला पॉइंट नहीं भी लिखते तो आपको ये ज़रूर लिखना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम को अच्छा बनाने में 100% अपनी भूमिका निभाएगा। वियना कॉन्फ्रेंस जब हुआ, वियना जब संधि हुई, तो इस संधि में ये बात उठी कि भैया जो दास प्रथा चल रही है इस दास प्रथा को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये दास प्रथा अगर कोई और किसी दूसरे व्यक्ति को दास बनाएगा तो भाई उसके लिए ये समझा जाएगा कि वो अपराध कर रहा है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद अमेरिका में भी 1862 में वॉशिंगटन DC पे एक संधि हुई जो मनुष्य के व्यापार के ऊपर रोक लगाने के लिए थी। इसके अलावा 1890 में एक ब्रुसेल्स संधि हुई, कौन सी हुई, ब्रुसेल्स संधि हुई, इस संधि ने भी मानवाधिकारों को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी। तो दोस्तों अब तक मैंने आपके सामने कुछ बात करी, देखो कुछ संधियों के नाम लिखे, तो ये संधियों के नाम जब आप इंट्रो में लिखोगे तो आपका आंसर एक बेस्ट आंसर बनेगा। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की कि जो भाई मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या बनाया गया है, मानव अधिकारों की घोषणा पत्र को बनाया गया है। और इस घोषणा पत्र के अंदर क्या किया गया है आपको ये ध्यान रखना है, इस घोषणा पत्र को जब यूएनओ बनाई गई, क्या की गई, यूएनओ बनाई गई तो यूएनओ के कई अंग बनाए गए, यूएनओ के अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 5 अंग बनाए गए, 5 पार्ट बनाए गए, जिसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल था, एक आम सभा था, एक सामाजिक आर्थिक परिषद था, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था और एक न्यायसिता परिषद था जिसे ट्रस्टीशिप विथ काउंसिल बोलते हैं। एक परिषद जो तीसरे नंबर पर थी उसे बोलते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद जो ये बनाई गई, इस परिषद के आधार पर ही मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात हुई कि भाई विश्व स्तर पर जो मनुष्य के साथ भेदभाव होता है इस भेदभाव को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक आयोग इस पाठ के अनुसार हम बनाएंगे। ओके, सो ये था अधिकारों का घोषणा पत्र, ये इसका जिम्मा दे दिया गया कि भाई किस तरीके से ये कार्य करेगा, किस तरीके से कार्य नहीं करेगा। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई जो मानव अधिकारों की घोषणा पत्र, इसमें क्या क्या बातें कही गई है, किस घोषणा पत्र के अंदर कौन सा पॉइंट कहा गया है, किस घोषणा पत्र के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं कहा गया है। तो टोटल इसके अंदर 30 आर्टिकल हैं, 30 अनुच्छेद हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि ये जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है इसके अंदर जितने भी अधिकार हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। सबसे पहला अधिकार जो मनुष्य को मिलता है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार होता है। इस अधिकार के तहत व्यक्ति को
जीवन जीने का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिलता है। ध्यान रखना आपको किस अधिकार के तहत मिल रहा है, यह नागरिक और राजनीतिक अधिकार के तहत मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे भाई रीज़न देना होगा, मुकदमा जारी किस आधार पर कर रहे हैं इसका उसको हमें ब्यौरा देना होगा। तो ये सारी बातें हमने सबसे पहले मानवाधिकार के अंदर की। देखो दोस्तों, मानवाधिकार को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मैंने आपको नागरिक और राजनीतिक बताया, अब दूसरे नंबर पे आता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इस अधिकार के अंदर व्यक्ति को ये बताया गया है कि भैया उनको भाई काम करने का अधिकार है। अगर दो व्यक्ति एक जैसा काम करते तो उन्हें सेम वेतन दिया जाएगा। लोग अपनी तरफ से व्यापारिक संघ बना सकते हैं, ये कोई वैसा नहीं था, अपने समुदाय धर्म पालन की रक्षा कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार इसके अंदर दिए गए, ठीक है। तो मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, इसे इन शॉर्ट में आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं, UDHR। अब ये UDHR क्या है आपको मैंने बताया, यू से यूनिवर्सल था, डी से डिक्लेरेशन था, एस से ह्यूमन था और आर से राइट था। इसमें 30 अनुच्छेद है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद 1 और 2 में। अब 30 के 30 अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। इस पहले अनुच्छेद में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो जन्म के आधार पर या फिर उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अमेरिका में पैदा हुआ है और एक इंडिया में पैदा हुआ है तो वो उसके आधार पर हम देश के विकास के आधार पर भी उस मनुष्य के बीच में भेदभाव करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति के साथ ना केवल देश के आधार पर, उसकी धर्म, जाति, लिंग, इनमें से किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ 3 से लेकर अनुच्छेद 21 तक क्या क्या बातें की गई है कि व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दासता और गुलामी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परिवार और आपका अमानवीय सजग से समानता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो कानून है, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, जो निजी परिवार है इनके तहत समानता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सो दैट बहुत सारे ऐसे हैं, आप इन सबका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ये पॉइंट्स हैं, आप इसको इस तरीके से समझ जाएंगे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू इसका अंदर आता है, इसके अंदर कि जो मानव अधिकारों की जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र का क्या महत्व है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम में जब आप इसको लिखेंगे। तो जब यूएनओ ने अपने आम सभा में इस घोषणा पत्र को लागू करवाने की बात कही तो इसके अंदर यूएनओ के उस टाइम पर लगभग 58 मेंबर शामिल थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब स्थापना हुई तो सिर्फ यूएनओ में 51 मेंबर्स थे, लेकिन धीरे धीरे जब यूएनओ के अंदर हमने मानवाधिकारों की घोषणा पत्र की बात हुई तो उसके अंदर 58 मेंबर इसमें शामिल हुए थे इस संधि को लागू करने के लिए। और सभी देशों ने इस संधि को लागू करने पर जोर दिया, क्योंकि कहा कि भाई इसके बहुत सारे महत्व हैं। क्या क्या महत्व है? ये घोषणा पत्र विश्व के विकास के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हर एक देश इसको लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस बाध्यकारी नहीं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई राज्य के ऊपर, देश के ऊपर कंपल्सन नहीं है कि राज्य इसको लागू ही करेगा। ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अधिकारों का घोषणा पत्र इसलिए लागू किया गया ताकि इससे व्यक्ति का विश्व में विकास हो सके। नंबर दूसरे पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विकास के अलावा इसके अंदर और क्या चीज़ें रहें। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से इसको मांगने के लिए बाध्यकारी नहीं है कि देश उसको लागू ही करवाएगा। अगर किसी देश की ऐसी स्थिति नहीं है तो वो उसको लागू नहीं करवाएगा। इसके अलावा इसके अंदर ये भी बात कही गई है कि ये जो है ये देश के कानूनों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और बल्कि अगर आप देखेंगे तो कानूनों का भी ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के बारे में बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, किसके बारे में? भारत के बारे में। तो अगर भारत को आप देखेंगे तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता की बात है, इसके अंदर भी बात है। देखो भारत आज़ाद नहीं हुआ लेकिन पहले इसे ले रही है, दास प्रथा की बात हुई, ये देखो कब बना, 1945 में ही बना ये अधिकारों का घोषणा पत्र। लेकिन अगर हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो वो 47 में, भारत का अगर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनना कब शुरू हुआ तो 1946 में दिसंबर के मंथ में। तो इसमें बहुत सारी बातें पहले से थी जो इसके अंदर ऐड की गई, जो लोगों को अच्छा लगा तो लोगों ने अपने संविधानों में भी इसको ऐड करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इसने विभिन्न देशों के बीच में संबंधों को भी सुधारने में भूमिका निभाई है। एग्जाम्पल के लिए दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रंगभेद के खिलाफ नीति थी, तो मानव अधिकारों के अप्लाई हो जाने से, लागू हो जाने से बहुत ज़्यादा इसको लाभ मिला है। और साथ ही साथ कोल्ड वॉर के दौरान में रोमानिया और बुल्गारिया ने
अपने देश के अंदर काफ़ी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, इसके लिए भी उसकी आलोचनाएं हुई, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट संविधान वाला है जो हम अभी बात कर ही रहे थे। तो इसी प्रकार से आज की जो ये आपकी वीडियो है अधिकारों की घोषणा के पत्र की, ये कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी और आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे कि भाई मैं क्या करना है क्या नहीं करना। नोट्स सिर्फ आप लोगों के आपके एग्ज़ाम में एक अच्छे आंसर लिखने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। आपको कम चीज़ों को लिखना पड़ेगा, बट आपको समझने के लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत से वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। तो उन सब वर्ड्स को समझने के लिए, चैप्टर्स को ईजी तरीके से करने के लिए और अपने और भी मित्रों का सहयोग करवाने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करें। और आप चाहते हैं इसी प्रकार से हमारे चैनल से आपको अपडेट मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत।